वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि मई माह की सैलरी प्रोसेस करने से पूर्व कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, मार्च से लगाकर अभी तक सैलरी में जो कन्फ्यूज़न चल रहा है इस लॉकडाउन के कारण, वो अभी तक मिटा नहीं है। हर महीने की सैलरी प्रोसेस करने से पहले एक कन्फ्यूज़न सा होता है कि इस महीने सैलरी फुल प्लेस मिलेगी या कोई कटौतियाँ होकर के मिलेगी। ये मार्च से सिलसिला चलता आ रहा है। जैसे मई माह की सैलरी में मार्च की एसआईएफ की कटौती नहीं हुई थी, तो वो एसआई कटौती इसमें मई माह की सैलरी से करके देनी है, ऐसा आदेश सामान्य प्रावधायी निधि विभाग के द्वारा हुआ है। तो मई माह की सैलरी के साथ में मार्च महीने की एसआईएफ कटौती कैसे होगी? यहाँ पर एसआई एरियर के रूप में जो कटौती आ रही है वो मार्च महीने की कटौती है, और यहाँ पर एसआईपी की कटौती यानी कि मई में जो रनिंग कटौती अपन को करनी है वो भी दोनों टाइप की कटौती यहाँ पर ऑटोमेटिक होके आ रही है। लेकिन मई माह के बिल प्रोसेस करने से पूर्व कुछ और भी दो तीन सावधानी पर ध्यान रखना है, वो अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो के नए अपडेट्स आप तक जल्दी से पहुँचें। दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि भले ही आप ऑफिशियली वर्क नहीं करते हैं, लेकिन बट आपको सैलरी जमा होते ही आपकी मोबाइल की सहायता से आप अपनी मंथली सैलरी स्लिप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कटौती बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली हो रही है। मई माह की सैलरी के लिए यहाँ पर सैलरी मई 2020 के लिए एक पीडीएफ जो व्हाट्सएप पर चल रही है, यहाँ पर इस पीडीएफ में अच्छे से इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं। इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपलोड कर दूंगा और हो सकता है आप तक आ भी गई हो। इसमें यहाँ पर जो निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी प्रोसेस की जाएगी, लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर अपनी सैलरी स्लिप तनख्वाह जमा होते ही देख लेनी है ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। मई माह की सैलरी प्रोसेस करने से पूर्व एक तो आरपीएम ऐप यहाँ पर एडिट कर लेना है, क्योंकि एम्प्लॉई की आरपीएम ऐप डिटेक्शन 1 अप्रैल से नई स्लैब के अकॉर्डिंग कटौती शुरू हुई है, वो इसमें ऐड कर देनी है, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, इसमें अप्रैल की कटौती भी जुड़ेगी और मई माह की कटौती भी जुड़ेगी, वो पे स्लैब के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पर जारी हो गया है। एक तो आरपीएम ऐप डिडक्शन, दूसरा आता है इसमें यहाँ पर एक एम्प्लॉई ने मैसेज भी डाला था, मुझे चैनल पर कमेंट किया था कि जीआईएस की डिडक्शन डिलीट नहीं हो रही है। दोस्तों, जीआईएस की डिडक्शन है वो प्रीवियस अप्रैल मंथ की हुई है, लेकिन मई की सैलरी प्रोसेस करने से पूर्व इसको डिलीट करना आवश्यक है, नहीं तो ये मई की सैलरी के साथ में भी डिडक्शन हो जाएगा, जो एम्प्लॉई के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसके लिए सभी एम्प्लॉई का एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। बिल प्रोसेसिंग की टैब में बल्क डिडक्शन में जाना है। बल्क डिडक्शन इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पर सेलेक्ट बिल, जिस बिल से आपको डिडक्शन डिलीट करना है उसकी ग्रुप को सेलेक्ट करते ही यहाँ पर डिडक्शन ऑलरेडी यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा, और इसमें से डिलीट करना है अपन को यहाँ पर जीआईएस डिडक्शन। तो यहाँ पर दाहिनी तरफ जो ऑल एम्प्लॉई हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। ऑल एम्प्लॉई सेलेक्ट हो गए, ऑल एम्प्लॉई सेलेक्ट करते ही यहाँ पर जीआईएस की डिडक्शन है उसको डिलीट कर लेना है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डिडक्शन? तो ये सिंपल सा प्रोसेस है और ये ऑल एम्प्लॉई की जीआईएस डिडक्शन डिलीट होगी। यहाँ से एक साथ उस ग्रुप से जितने भी एम्प्लॉई हैं आपके उनकी समस्त की जीआईएस डिलीट हो जाएगी। अब आप एक एक एम्प्लॉई की यहाँ पर भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी टाइप के एम्प्लॉई की जीआईएस डिडक्शन नहीं है, यहाँ पर हर एक एम्प्लॉई की आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इनकम टैक्स डिडक्शन, अगर उस एम्प्लॉय के है तो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और एसआईएफ लोन की डिटेल्स है वो मार्च की डिडक्शन मई में कर सकते हैं, एम्प्लॉय चाहे तो मार्च के सैलरी की डिडक्शन मई में करवा सकता है वो एसआईएफ की लोन की डिडक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एम्प्लॉय का लोन है, यहाँ पर एसआईएल लोन यानी कि 7000 का लोन है, तो 7000 यानी कि 7 × 2 यानी कि 14000 की डिडक्शन यहाँ पर हो जाएगी। बाकी रही उसकी एसआईएफ की कटौती, एसआईएफ की कटौती एरियर के अकॉर्डिंग जो भी है उसकी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये एम्प्लॉय भी
ऐसे ये प्लान है इनका, तो ऐसे ये प्लान की डिडक्शन हो रही है यहाँ पर 3000, तो 3000 यानी मार्च की और 3000 मई की, 6000 डिडक्शन हो गई। अप्रैल की सैलरी से अपन डिडक्शन दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अप्रैल की डिडक्शन को ऐड नहीं किया है, केवल मार्च और मई को मिला करके 3000 की डिडक्शन यानी कि 3000 दो महीनों की 6000 यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो एम्प्लॉई पे डिटेल्स में ये सारी एडिटिंग्स पहले ही कर लेनी है, उसके बाद में बिल प्रोसेसिंग की टैब से मंथली सैलरी प्रोसेस कर लेनी है। महिमा सेलेक्ट आफ्टर 2020 ईयर। अब यहाँ पर जिन जिन ग्रुप की अपन ने एडिटिंग कर ली है, सारे ग्रुप की कर ली है, तो एक साथ भी सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ग्रुप की सैलरी प्रोसेस करके बता दूंगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पर एडिटिंग कर ली थी, इस ग्रुप की सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुल। सैलरी प्रोसेस आफ्टर रिपोर्ट की टैब में ऑल सैलरी रिपोर्ट में इनर आउटर शेड्यूल चेक करने के बाद में बिल फॉरवर्ड टू डीडीओ आफ्टर बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी की प्रोसेस आप कर सकते हैं। बिल्कुल फाइनल कन्फर्म होने के बाद में अपन ने हाल ही जिस बिल की सैलरी प्रोसेस की है उस ग्रुप का इनर यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं। इनर रिपोर्ट को चेक करने पर यहाँ पर इनकम टैक्स की डिटेल थी और यहाँ पर SIP की डिडक्शन मार्च की और मई की यानी कि मार्च की SI एरियर के रूप में यहाँ पर आ गई है और मई की SIP की डिडक्शन ऑलरेडी है। और दूसरा एम्प्लॉई यहाँ पर लोन वाला था जिसकी SIF की लोन थी यहाँ पर 3000 रुपये मंथली यानी कि मार्च और मई की मिलाकर 6000 रुपया यहाँ पर SIF लोन की डिटेल शो है। तो दोस्तों ये थी एक नॉर्मल जानकारी। लोन कटौती करना कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन एम्प्लॉई की SIF इंटरेस्ट की कमी पूर्ति को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर SIF लोन की डिडक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट एम्प्लॉई का बढ़ जाएगा, तो उस एम्प्लॉई के इंटरेस्ट को घटाने के लिए यहाँ पर लोन की डिडक्शन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट पर डिजिटल साइन, हालांकि प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पर जारी है, लेकिन कुछ साथियों की डिमांड आ रही है कि सर डिजिटल सिग्नेचर इस बिल पर कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें एरियर बिल भी शामिल है यानी कि मार्च की कटौती SIF की भी शामिल है, तो इसमें बिल मिलाकर कुल 4 होते हैं, तो उस 4 बिल पर साइन कैसे करेंगे ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।